हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि ये जो पूरा चैप्टर है ये फ्यूचर में सेट है, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्यूचर में जब एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा तब लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे मार्जी और टॉमी की बात की जा रही है जो कि घर पे रखे रॉबर्ट से कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। रॉबर्ट पर कोई स्क्रीन है जिस पर देखकर वो पढ़ाई करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर जब उनको एक रियल बुक मिलती है, पुराने जमाने की कोई ऐसी बुक मिलती है, तब उनका क्या रिएक्शन होता है हमने वो समझा। अब दोस्तों, जब वो उस बुक को पढ़ेंगे, वो बुक है स्कूल के बारे में, जब वो पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तब उनका क्या रिएक्शन होगा वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So, she said to Tommy, why would anyone write about school? अब यहाँ पे जो मार्जी है, वो टॉमी से पूछती है कि टॉमी, स्कूल के बारे में भला कोई क्यों लिखेगा? टॉमी देखिए क्या कहता है। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी उसे एकदम गुस्से की तरफ से देखता है, फिर superior eyes मतलब ये खुद को बड़ा मानकर वो वहाँ पर मार्जी की तरफ देखता है। Because it's not our kind of school, stupid. अब वो मार्जी कहता है कि अरे पागल, यहाँ पे जो पुराने जमाने के स्कूल थे वो हमारे टाइप के स्कूल जैसे नहीं है, काफी अलग है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds years ago. अब यहाँ पे टॉमी कहता है कि मार्जी, ये उन स्कूल की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे बड़े सालों पहले हुआ करते थे। He added loftily. अब दोस्तों यहाँ पे loftily का मतलब है कि एक superior way में, मतलब कि जो यहाँ पे टॉमी है खुद को बड़ा मान रहा है क्योंकि वो 13 years का है, मार्जी 11 years की है, तो इसीलिए टॉमी खुद को बड़ा मान रहा है और वो कह रहा है कि वो जो schools हैं वो बहुत ही पुराने टाइप के schools हैं। Pronouncing the word carefully, centuries ago. वो दोबारा रिपीट करता है कि centuries ago, यहाँ पे hundreds of years of पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्जी was hurt. मार्जी को यहाँ पे जो टॉमी का रिएक्शन है वो देखकर थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता कि ये खुद को ज्यादा बड़ा मान रहा है। Well, I don't know what kind of schools they had all that time ago. यहाँ पे मार्जी कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता कि वो पुराने जमाने में किस टाइप के स्कूल्स हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मार्जी ने क्या किया, क्योंकि जो टॉमी है वो बुक पढ़ रहा है तो उसकी बुक में झांक कर वो थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करती है और वो कहती है कि क्या बड़ी बात है, उस टाइम पे भी टीचर्स हुआ करते थे। यहाँ पे दोस्तों मार्जी को लग रहा है कि यहाँ पे पुराने जमाने में भी, सेंचुरीज पहले भी, यहाँ पे वो मैकेनिकल टीचर रॉबर्ट जैसे टीचर्स ही होते थे, तो स्कूल में ज्यादा फर्क नहीं है, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। पर टॉमी उसको भी रियलिटी बताएगा। देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब देखिए यहाँ पे टॉमी कहता है कि बिल्कुल उस टाइम भी टीचर्स हुआ करते थे पर कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, बल्कि वहां पे ह्यूमंस, एक पर्सन वहां पे सच में टीचर की तरह खड़ा होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कोई मैन टीचर कैसे बन सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पे टॉमी कहता है कि वही बात है, वहां पर ह्यूमन टीचर बन जाते थे और फिर वो बच्चों को कुछ चीजें पढ़ाते थे, होमवर्क दे देते थे और बड़े सारे क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब यहां पे मार्जी कहती है कि एक ह्यूमन इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता कि वो टीचर बन सके। श्योर ही इज, माय फादर नोस एज मच एज माय टीचर। अब यहाँ पे टॉमी कहता है कि अरे, लोग इतने बिल्कुल स्मार्ट हो सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे फादर, मेरे खुद के जो फादर हैं, उनको वो सारी चीजें आती हैं जो कि मेरे टीचर, उस रोबोटिक टीचर को आती हैं। तो मतलब कि एक ह्यूमन भी रॉबर्ट जितना स्मार्ट हो सकता है, टॉमी ऐसा मार्जी को कह रहा है। He knows almost as much, I bet you. वो कहता है कि बिल्कुल एक रॉबर्ट जितना वहां पर मेरे फादर भी जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बेटा का मतलब है बेट यू, कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितनी की उस रॉबर्ट को है। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी की छोटी है, अब वो लड़ाई करने के यहाँ पे मूड भी नहीं थी और यहाँ पे वो लड़ाई को जीत भी नहीं सकती है। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी कहती है कि वैसे भी कोई एक अलग सा ह्यूमन मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए, ये चीज तो मुझे कोई बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी एकदम बहुत ही हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, टॉमी कहता है कि मार्जी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो घर पर आकर नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो कह रहा है कि वहां पे एक अलग से स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में, जहां पे सारे बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे। दोस्तों जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो उसकी बात कर रहा है। And all the kids learned the same thing. अब मार्जी टॉमी से पूछती है कि सारे बच्चे सेम चीज पढ़ा करते थे, ये कैसे हो सकता है? Sure, if they were the same age. टॉमी बताता है कि बिल्कुल अगर उन सबकी एज सेम है तो वो सारे बच्चे एक ही चीज की पढ़ाई करेंगे, डिफरेंट पढ़ाई नहीं करेंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches.
पर यहाँ पे मार्जी कहती है कि मेरी मम्मा तो कहती है कि हर टीचर को यहाँ पे बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है कि उस बच्चे की स्पीड क्या है, वो कितना परफॉर्म कर सकता है, उस हिसाब से टीचर को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पर यहाँ पर पुराने जमाने में तो एक ही टीचर इतने सारे अलग अलग बच्चों को पढ़ाता है, तो उस टाइम ये चीजें कैसी हुआ करती होंगी। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यहाँ पे मार्जी कहते हैं कि मेरी मदर ये भी कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए मार्जी सोच रही है कि पुराने जमाने में जब सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते थे तो टीचर ऐसी चीजों को हैंडल कैसे करता था, यहाँ पे ये चीज तो सही नहीं हुआ करती थी। Just the same, they didn't do it that way then. अब दोस्तों यहाँ पे टॉमी बता रहा है कि बस यही चीज पुराने जमाने में वो लोग नहीं करते थे, सारे बच्चे एक ही चीज को पढ़ा करते थे। If you don't like it, you don't have to read the book. अब यहाँ पे टॉमी थोड़ा यहाँ पे अपने एटीट्यूड के साथ कह रहा है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रही तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it. अब दोस्तों यहाँ पे मार्जी कहती है कि ये क्या हुआ, मैंने कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आ रही है। मार्जी said quickly, मार्जी एकदम ये चीज कहती है, she wanted to read about those funny schools. यहाँ पे मार्जी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अब दोस्तों यहाँ पे जो बुक है वो आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि एकदम कि मार्जी की जो मदर है वो मार्जी को बुलाती है कि मार्जी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। वो मार्जी एकदम अपना सर ऊपर करके कहती है कि मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। उसकी मम्मी कहती है, नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब यहाँ पे जो मिसेस जोन्स है वो कहती है कि नहीं मार्जी, स्कूल का टाइम हो चुका है और टॉमी का भी यहाँ पे पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है, तुम दोनों जाओ और स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" अब यहाँ पे जो Margie है वो Tommy को कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। अब देखिए Tommy का कहता है, "Maybe," he said nonchalantly. अब दोस्तों यहाँ पे जो Tommy है वो अपने attitude के साथ वो अपना interest नहीं show कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है पढ़ सकते हैं, maybe क्या पता शायद पढ़ ले। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब दोस्तों यहाँ पे जो Tommy है वो बुक लेकर अपने साथ चला जाता है। उसकी जो बुक है वो डस्टी डिस्क्राइब किया गया है कि उस पर बड़ी ज्यादा धूल लगी हुई है और वो अपने आर्म्स के बीच में रख के वहां से चला जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने इस पार्ट में देखा कि यहाँ पे जब मार्जी और टॉमी को पता चलता है कि पुराने जमाने में कुछ ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे जो कि एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स बड़े सारे बच्चे को पढ़ाते थे, तो ये सारी चीजों को देखकर मार्जी का रिएक्शन क्या होता है, वो कितनी ज्यादा यहाँ पे अम्यूज हो जाती है, कितनी ज्यादा उसको सरप्राइजिंग फील होता है कि जो एक टीचर है वो सारे बच्चों को सेम ही चीज पढ़ाता है सेम तरीके से। अब वहां पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है और अब यहाँ पे टॉमी और मार्जी दोनों का स्कूल का टाइम हो गया है, तो इसीलिए उन्होंने बुक को बंद कर दिया है और ये डिसाइड किया है कि शायद वो स्कूल के बाद मिलकर बुक को दोबारा रीड करेंगे। तो दोस्तों हमने इस पार्ट में समझ लिया स्कूल के बारे में, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर हम इस कहानी को एंड करेंगे। हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि यहाँ पर इन बच्चों के हिसाब से मार्जी के हिसाब से क्या चीज बेटर है, जो उनके साथ आज हो रहा है जो वहां पर रॉबर्ट्स उनको स्क्रीन पर टीच करते हैं क्या वो चीज बेटर है, या फिर जो पुराने जमाने में जो स्कूल्स हुआ करते थे वहां पे एक ही टीचर बड़े सारे बच्चों को पढ़ाता था क्या वो चीज बेटर है। ये चीज हम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं कि मार्जी को कौन सी चीज ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।